So 22nd question was at the equator angle of dip would be how much? 0 degree. Angle of dip जो है, dip circle is an instrument that measures the angle of dip and it becomes horizontal at the equator. ठीक है, horizontal पे जाके ये equator पे जाके बिल्कुल horizontal हो जाता है. ठीक है. Then next question is 23rd. Two beams of protons moving parallel and in the same direction will repel each other. ये भी हो गया था. 24th question again, वही velocity selector arrangement ही निकलता है. In a region of crossed electric and magnetic field, cross क्या होते हैं, जो perpendicular होते हैं. A strength E and B respectively, a beam of alpha particles enters and moves undeflected. The velocity of alpha particles must be. तो वही है कि alpha particle भी charge particles हैं and when they move through a region of both electric field and magnetic field present in such a way that they go undeflected, then what is the velocity? E by B. So iska answer B option hi tha. 25th question. A charge particle having charge Q enters a uniform magnetic field B with velocity V at an angle theta. The magnetic force experienced by charge particle depends upon what? So pehle to magnetic force ka formula kya hoga? QVB sin theta. Charge diya hua hai na, velocity di hui hai. So it's a moving charge. So the magnetic Lorentz force acting on a charge moving with certain speed through a region of magnetic field at certain angle is given by this formula. So all the factors will be there. Answer kya aayega iska? It depends on magnitude of B, magnitude of Q, velocity V, angle theta. So all सारी ऑप्शन थी इस क्वेश्चन में. 25th क्वेश्चन में ए बी सी डी सभी आंसर थे, पर हमने एक भी आपने कर दिया तो आंसर दे दिया. बोर्ड में ऐसा नहीं होगा. ठीक है. 26th क्वेश्चन. अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम कैन मेजर मैक्सिमम करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर. व्हाट वैल्यू ऑफ शंट can be chosen to measure 5 ampere with it. मतलब ये गैल्वेनोमीटर का करंट है और ये टोटल करंट है, जो ऑब्वियसली बिगर अमाउंट ऑफ करंट है वो टोटल एमिटर की रेंज ही होगी जिसमें आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो. तो उसका शंट कितना है? शंट का फॉर्मूला क्या होता है? जी आई जी ओवर आई माइनस आई जी. दिस वॉज द फॉर्मूला. पुट इन द वैल्यूज. 5 मिली 1000 हो गया और इधर आपका हो गया आई माइनस आई जी. ठीक है, इसको सॉल्व करो. ये इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर है. सो योर आंसर इज बी पार्ट 0.1 ओम. आंसर है 0.1 ओम. करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर विच स्टेप्स डाउन 200 वोल्ट टू 22 वोल्ट. मतलब ये आपकी प्राइमरी वोल्टेज है एंड दिस इज योर सेकेंडरी वोल्टेज, इट इज स्टेपिंग डाउन. तो व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी? आईपी निकालना है टू ऑपरेट अ डिवाइस विद इम्पीडेंस ऑफ 220 ओम. आउटपुट रेजिस्टेंस आपका है 220 ओम. तो सिंपली दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड. ईएस ओवर ईपी ओवर आईपी, ईपी ओवर ईएस इज आईपी ओवर आईएस. यही होगा. तो यहाँ पे 200 इज गिवन, हियर इट इज 22. आईपी निकालना है और सेकेंडरी के थ्रू जो करंट है, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर. ये हाँ, ये इंटरचेंज हो जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. हाँ, तो यहाँ पे आपका आई एस आएगा ई एस ओवर आर. ठीक है, तो अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो. 200 बाय 22, ई एस इज अगेन 22 और आपका आर है 220 इंटू आई टी. तो इसको सॉल्व कर लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आ जाएंगे. आंसर इज
सी पार 0.01 एम्पियर, देखो सॉल्व करके आता है 0.01 एम्पियर। एक्चुअली 0.011 आ रहा है, बट यहाँ सबसे क्लोज मतलब जहां तक दिया हुआ है वो है सी पार्ट 0.01 एम्पियर। सो आंसर है सी पार्ट 0.01 एम्पियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास through a circular coil or loop of folded copper wire as shown. ठीक है, आपको पता ही है कि जो इंडक्टिव कॉइल्स जो है दे आर इंडक्टिवली कॉइल्ड डबल्ड ऑन देमसेल्व्स। तो टू रिड्यूस इंडक्टेंस द कॉइल्स आर डबल्ड ऑन देमसेल्व्स। जो कॉपर वायर के कॉइल्स होते हैं ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ईएमआई का कि उनको अपने आप पे डबल क्यों किया जाता है, टू रिड्यूस द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, यहाँ सेंटर पे इंडक्टेंस जीरो होगी तो वही क्वेश्चन था। हाँ, एक जो है वो दूसरे को कैंसल आउट कर देगी तो इसलिए कॉइल्स आर ऑलवेज डबल्ड ऑन देयर लेंथ। एन इलेक्ट्रिक करंट आई इज पास थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ फोल्डेड कॉपर वायर एज शोन। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप, मतलब वही मैग्नेटिक डायरेक्शन आप देख सकते हो ना, एक की इधर है एक की उधर होगी तो डायरेक्शन दोनों की कैंसल आउट हो जाएगी तो इंडक्टिव इफेक्ट भी मिनिमाइज हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा यहाँ। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ए पार्ट वॉज द आंसर। सेंटर किसका, हाँ होती है पर आप देखो ना एक में से डायरेक्शन जो है वो इधर है, ठीक है, दूसरे में जो डायरेक्शन है इधर है, रिवर्स है ना, तो एक की अगर अपवर्ड है तो दूसरे की डाउनवर्ड होगी, सेम मैग्नीट्यूड बट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे ना। नेट फील्ड कितना आ गया, जीरो आ गया। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड है जीरो। क्लियर। 29th, लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो पता ही है, ठीक है। 30th, चूज द करेक्ट रिलेशन, हेनरी इक्वल टू व्हाट, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर क्या, तो आप E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी यूज कर सकते हो। फ्रॉम हियर यू कैन राइट L एज E डी टी बाई डी आई, यहां से आप हेनरी लिख सकते हो, वन हेनरी इज वोल्ट, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, वोल्ट सेकेंड ओवर एम्पियर, सो ए ऑप्शन वॉज करेक्ट। सो सिंपली ऑप्शन ए वॉज करेक्ट, वन हेनरी इज वन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ओवर वन एम्पियर, तो ये सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला था। क्वेश्चन नंबर 31 नाउ, अ रेजिस्टर ऑफ 50 ओम, a resistor of 50 ohm R दिया हुआ है, inductor of 20 by pi henry and capacitor of 5 by pi microfarad are connected in series to 220 volt, ये आपका हो गया virtual EMF EV, 50 hertz AC supply, द करंट एट रेजोनेंस इज, आई नॉट निकालना है आपको, पीक करंट निकालना है एट रेजोनेंस, व्हाट इज द करंट एट रेजोनेंस, आई नॉट नहीं मतलब करंट एट रेजोनेंस निकालना, तो एट रेजोनेंस क्या होता है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट कितनी होती है, इक्वल टू रेजिस्टेंस ओनली, तो ना हमें एल चाहिए ना सी चाहिए यहां पे,
तो हमें करंट जो निकालना है, अगर हम पहले आईवी निकाल लेते हैं, आईवी इज ईवी ओवर जेड, दैट इज ईवी ओवर आर ओनली। तो ये निकाल लो पहले, आईवी आ गया, ये आईवी आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, ठीक है, आगे फाइव भी आ जाएगा, तो जो भी है। अब आई वी आ गया, आई नॉट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आई वी रूट टू, रूट टू आ जाएगा साथ। तो इसका आंसर आपका आई वी ही निकालना था, उन्होंने करंट एट रेजोनेंस का है वो हमने निकाल लिया, तो ये आंसर वॉज सी पार्ट 4.4 एम्पियर। तो आंसर इज 4.4 एम्पियर। हाँ हाँ, उन्होंने पीक करंट तो नहीं बोला ना, करंट निकालना है पर रेजोनेंस में निकालना है, तो ईवी है तो आईवी निकालिए, दूसरा तो ऑप्शंस में ही नहीं है, अगर आप रूट टू से मल्टीप्लाई करते हो वो ऑप्शंस में है ही नहीं, ठीक है। असर्शन इज नेक्स्ट, 32, क्वेश्चन नंबर 32, असर्शन, ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडक्टेंस कॉइल इज इंक्रीज्ड देन करंट गेट्स डिक्रीज्ड। असर्शन क्या है कि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कंसिस्टिंग ऑफ इंडक्टेंस कॉइल अगर इंक्रीज हो जाए तो करंट डिक्रीज हो जाता है, तो ये क्या करेक्ट है, देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो करंट कम हो गया, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। इंडक्टेंस, इंडक्टिव सर्किट में या फॉर इंडक्टर आपका करंट क्या होता है, EMF over the resistance, reactance. Reactance जो है कैसे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ओमेगा एल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, दे आर सेइंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे करंट डिक्रीज हो रहा है, तो ठीक है असर्शन हमारी करेक्ट है, यस करंट इज डिक्रीज्ड, असर्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स चेक आउट द रीजन, रीजन इज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, देखो हमने वही यूज किया था ना, तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड यस इट इज एक्सप्लेनिंग आवर असर्शन एज वेल, सो ए वॉज द आंसर, सो आंसर वॉज ए, आवर असर्शन इज करेक्ट, रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा, रीजन यही है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो उसी को यूज किया हमने, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। 33rd क्वेश्चन, असर्शन, An electric lamp connected in series with a variable capacitor and AC source, its brightness increases with increase in capacitance. तो चेक कर लेते हैं, एक लैम्प है जो सीरीज में कैपेसिटर के साथ, टू एसी सोर्स, ठीक है, इट्स ब्राइटनेस दे आर सेइंग इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कैपेसिटेंस। अगर इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए, सपोज हमने इसमें कंडक्टिंग स्लैब रख दी या डायलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, इन बोथ द केसेस कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, तो दे आर सेइंग इफ कैपेसिटेंस इंक्रीजेस व्हाट विल हैपन टू द ग्लो ऑफ दिस बल्ब, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस कैपेसिटर, एक्सी इज 1/ωc, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ी तो एक्सी विल डिक्रीज, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ब्राइटनेस विल इंक्रीज। तो यस उन्होंने यही बोला है कि अगर हम इट्स ब्राइटनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कैपेसिटेंस, सो असर्शन इज करेक्ट, सो आवर असर्शन इज करेक्ट। रीजन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। वो कहते हैं कि कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है वो कैपेसिटेंस के साथ कम होती है, ठीक है, यही रीजन तो था हमारा, तो ए इज द आंसर, रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन आल्सो, सो आवर आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 34, असर्शन, ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड ओनली इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट एंड नॉट इन डायरेक्ट करंट सर्किट, बताओ ठीक है कि नहीं, कि कैन अ ट्रांसफॉर्मर वर्क विद डीसी, नो, ये हमने डिस्कस किया हुआ, तो वही मतलब है उनका
कि ट्रांसफार्मर एसी सर्किट में ही वर्क करते हैं, डीसी में नहीं करते। उसका रीजन क्या है? चलो रीजन थोड़ा ये ठीक है ना, क्योंकि उसमें वही है कि आयंस जो है वो तो ऑसिलेट, वो एक अगर हम डीसी के साथ यूज करेंगे तो फ्लक्स ही चेंज नहीं होगी, और ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ये है कि वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करते हैं, दो जो चेंज इन फ्लक्स के ऊपर बेस्ड होती। रीजन, ओनली एसी कैन बी स्टेप्ड अप और डाउन बाय ट्रांसफार्मर, ये ठीक है? यस, क्योंकि एसी को ही हम स्टेप अप या डाउन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर से, डीसी को कर ही नहीं सकते। तो यस अगेन इसका आंसर था ए, असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग असर्शन। 35th क्वेश्चन, असर्शन एट रेजोनेंस एलसीआर सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट हैज मिनिमम करंट, मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, करंट नहीं मिनिमम होता। एट रेजोनेंस एलसीआर सीरीज सर्किट में उन्होंने बोला है कि करंट मिनिमम होता है। एलसीआर सीरीज सर्किट को तो हम एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, इसका तो करंट मैक्सिमम होता है, इसका करंट तो मैक्सिमम होता है एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। नहीं, इम्पीडेंस आपकी मिनिमम नहीं हो जाती, जेड आर के इक्वल हो जाता है, तो करंट मैक्सिमम नहीं हो जाता। रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि करंट मिनिमम होगा, नो करंट तो मैक्सिमम होगा हमारा, इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं बिकॉज इट एक्सेप्ट मैक्सिमम करंट एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और मैंने आपको बताया था पैरेलल सर्किट जो होता है जिसमें एलसी पैरेलल में होते हैं उसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऑपोजिट आता है, करंट बिकम्स मिनिमम एट रेजोनेंस, एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी करंट बिकम्स जीरो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से आगे रिलेट किया करो, तभी कॉन्सेप्ट्स माइंड में फिक्स होंगे आपको। तो आपकी असर्शन तो रॉन्ग हो गई। अब रीजन चेकआउट करते हैं। रीजन है एट रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट करंट एंड ईएमएफ आर नॉट इन फेज विद ईच अदर। एट रेजोनेंस एलसीआर सीरीज सर्किट करंट एंड ईएमएफ दोनों ही इन फेज नहीं होते, तो क्या वो इन फेज होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, क्योंकि एट रेजोनेंस पावर फैक्टर जीरो हो जाता है, वन हो जाता है, आपका फेज डिफरेंस जीरो डिग्री हो जाता है, करंट एंड ईएमएफ आर इन द सेम फेज, ठीक है ना? तो इन्होंने क्या बोला है, करंट एंड ईएमएफ आर नॉट इन फेज विद ईच अदर, वो इन फेज होते हैं क्योंकि एंगल जीरो डिग्री हो जाता है उनके बीच में, तो आपका रीजन भी रॉन्ग है। ठीक है, चलो कम से कम आप डी लिखते हैं, यहाँ पे ई तो ऑप्शंस में नहीं था, वैसे इसका आंसर बोथ आर फॉल्स ही आना है, ई आंसर आना है, पर चलो डी भी ठीक है, जिसको ये एटलीस्ट पता चल गया कि असर्शन रॉन्ग है वो तो करो, क्योंकि ऑप्शंस में ही नहीं था ई और किसी ने पूछा नहीं है। 36th क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? कांस्टेंट, जीरो, वेरी लार्ज, वेरिंग इन मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट, पोटेंशियल एक स्फेरिकल शेल के अंदर कांस्टेंट होता है, फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इसका आंसर है ए पार्ट, कांस्टेंट। 37th क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडिएटेड आउटवर्ड फ्रॉम वन कूलम्ब ऑफ चार्ज आर, ये पहले भी किसी फॉर्म में था, 1.13 इंटू 10^11, हमने फ्लक्स निकाली थी ना, नंबर ऑफ लाइन्स वही है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रेडिएटेड आउटवर्ड फ्रॉम वन कूलम्ब ऑफ चार्जेस, सी पार्ट, 1.13 इंटू 10^11। क्वेश्चन नंबर 38, अ कंडक्टिंग स्लैब फिट्स इन कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिकम्स डबल, जीरो, इनफाइनाइट, फोर टाइम्स, क्या होगा बताओ? हाँ, कंडक्टिंग स्लैब फिल्स द प्लेट्स बिटवीन द प्लेट्स कंप्लीटली, हाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। आप स्पेशल केस कर सकते हो, देखो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, उसका फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू
सी नॉट ओवर डी माइनस वन माइनस पी बाय डी, या आप कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस पी। अब जब वो कंडक्टर एंटायर स्पेस को फिल कर रहा है तो टी बिकम्स इक्वल टू डी, सो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर जीरो और दैट इज इनफाइनाइट, सो कैपेसिटेंस बिकम्स इनफाइनाइट। And what do you mean by capacitance of capacitor of infinite capacitance? Infinite ka matlab kya hai? What does it mean, Mankirat? What does a conductor of infinite capacitance mean, Mankirat? Mankirat, bataoge? What's the answer? Nahi bata ma'am. Paper mein kya likha? मेरा सेट ए था। ओके, किसी को पता आपने से? जितेश आप बताओ। हाँ, इनफाइनाइट का मतलब क्या? इनफाइनाइट का मतलब यह है कि व्हाटएवर चार्ज इज गिवन टू वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज टेकन आउट फ्रॉम द अदर प्लेट। जितना चार्ज पहले को मिल रहा है दूसरे से उतना ही निकालते भी जा रहे हैं, ये हो गया इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का मतलब। ठीक है, सारा का सारा चार्ज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं, वो इस तरह से सर्कुलेट होता जा, एक प्लेट से मिल रहा है जितना दूसरे से उतना ही बाहर जा। 39th क्वेश्चन नाउ, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेस विद रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर विद राइज इन टेम्परेचर विल व्हाट? Increase, decrease, remain same, sometimes increase and sometimes decrease. What? It will increase. Conductors का resistance temperature के साथ increase होता है और decrease के साथ decrease होता है, ये तो पता ही है आपका। Semiconductor का reverse होता है। हाँ, अब 40th question. The number of electrons constituting a current of minus one coulomb are minus or plus or कितने electrons? 6.25 into 10 raised power 18. कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? Q is equal to Ne. Question number 41. Force exerted by magnetic field on a stationary charge is. Charge के ऊपर force वैसे होता है QVB sin theta. पर अगर charge stationary है तो force कितना हो जाएगा? Zero. Because only moving charge can produce magnetic force. आप उसमें वी जीरो पुट कर दो, क्यू वी साइन थीटा में वी जीरो पुट कर दो तो आपका फोर्स जीरो आ जाता है, तो ए पार्ट वाज द आंसर। 42, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यशिका आप बताओ किसका यूनिट है टेस्ला इनमें से? यशिका, यशिका, टेस्ला किसका यूनिट है आउट ऑफ दीज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यस यशिका, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो डी पार्ट वाज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, इन अ प्योर इंडक्टर द करंट, व्हाट हैपेंस टू करंट? लैग्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय टू, लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, lags the voltage by pi by 4, leads the voltage by pi by 4. Pi by 4 तो नहीं होता, ये तो आपको पता ही है। इंडक्टर, प्योर इंडक्टर क्या करंट क्या करता है? लैग करता है कि लीड करता है? करंट लैग्स, तो ए पार्ट इसका आंसर था। इन प्योर इंडक्टर करंट लैग्स द ईएमएफ बाय पाई बाय 2, ठीक है, 90 डिग्री का ही होता है फेज डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब है 44th क्वेश्चन। For a step up transformer, transformer ratio K is greater than 1. So it was C part, greater than 1. Paper में B लिखा हुआ है, फिर B लिखा हुआ है, C को B लिखा हुआ है, वैसे understood था, but कई बार हो सकता है कि आपको B देख के आपने B लिख दिया हो, तो हमने B और C correct कर दिए मेरे ख्याल से दोनों ही। Question number 45, power loss in a capacitor is ERMS, IRMS, half epsilon naught I square by T, half CV square by T or zero. Power loss in a capacitor कितना होता है?
अरे जीरो होता है, प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, वॉटलेस करंट, जीरो जीरो आता है. पावर लॉस इन अ कैपेसिटर इज जीरो, नो पावर लॉस. हाँ प्योर कैपेसिटर में हाँ पावर लॉस जीरो होता है, इसीलिए इसका जो करंट है उसको हम क्या कहते हैं, वॉटलेस करंट. और आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, P इज इक्वल टू ईवी आई वी कॉस फाइव. तो क्योंकि फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, तो इसमें पुट करते हैं ईवी आई वी कॉस 90 जीरो, सो पावर इज जीरो, नो पावर इज कंज्यूम. पाई 90 डिग्री पुट का ऐसे इंडक्टर में भी, क्योंकि उसमें भी लैग लीड को छोड़ो, फेज डिफरेंस तो 90 डिग्री का ही है ना, फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री. ठीक है चलिए हो गया ये पेपर डिस्कस. सेट ए भी मोर और लेस सेम ही था. ठीक है तो अगर आपको कोई सेट ए वालों को डाउट है इन पर्टिकुलर तो आप पूछ सकते हो. चलो कर ही लेते हैं एक बार ये आंसर की डिस्कस कर लेते हैं. मैं एक बार सारे आंसर्स बोल दो सेट ए के. हाँ मैं बता देती हूँ. ठीक है क्वेश्चन नंबर वन यही इंडक्शन वाला ही था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला दिस क्वेश्चन इफ यू रिमेम्बर गितेश. अच्छा तो इसका आंसर है सी, नेगेटिव एंड जीरो. ठीक है डायग्राम शोज अर्थ द कंडक्टिंग स्फीयर हेल्ड क्लोज टू पॉजिटिवली चार्ज डोम. पॉजिटिव है तो बाय इंडक्शन नेगेटिव ही आएगा उस पे, तो नेगेटिव और पोटेंशियल है जीरो, चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल जीरो क्योंकि वो अर्थ है तो पोटेंशियल उसका नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन टू आइडेंटिकल इंसुलेटेड मेटालिक स्फीयर चार्ज विद 10 एंड माइनस 50 यूनिट्स. इसका नोट करो सी पार्ट है आंसर 5:4. क्वेश्चन नंबर थ्री ए पार्ट इज द आंसर माइनस क्यू बाय टू. कल हमने जैसे पोटेंशियल एनर्जी कॉम्बिनेशन तीन बना के इक्वल टू जीरो कर दी वैसे ही करना है. फोर्थ क्वेश्चन कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन तीनों 999 पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इनका आंसर आएगा बी पार्ट 27 माइक्रोफैरड. कैपेसिटेंस इन पैरेलल ऐड हो जाती है. क्वेश्चन नंबर फाइव नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ए एंड सी इंक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस. ए एंड सी बोथ आर करेक्ट. सिक्स्थ क्वेश्चन ए बी सी डी चारों करेक्ट हैं सिक्स के. सेवेंथ का जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, वॉट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, जीरो ए पार्ट. एट्थ क्वेश्चन असर्शन रीजन वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज पॉजिटिव. रीजन फोर्स इज ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टिव सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. एट्थ का आपका आएगा ए पार्ट, रीजन असर्शन बोथ आर करेक्ट. नाइन्थ का आएगा आपका सी, असर्शन राइट है रीजन रॉन्ग है. पाथ डिपेंडेंट नहीं है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि यह कंजर्वेटिव होता है. टेंथ क्वेश्चन इफ अ वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट्स वायर लेंथ फोर टाइम्स देन इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, बी पार्ट. इलेवेंथ का आएगा सी 1.7. ट्वेल्थ का आएगा डी 1.07 × 10⁻³ एम्पियर. थर्टींथ का है सी 1 ओम इज द आंसर. 14th का है बी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और 15th का है ए, 16th का है डी, 17th का ए, 17th का ए, 18th का डी, 19th और 20th का सी और सी आएगा, 21st का ए, 22nd का सी, 23rd का डी, 24th का ए, 25th का ए बी सी तीनों करेक्ट थे, 26th का सी, 27th का डी, 28th का ए, 29th और 30th और 31 तीनों का सी, 32 दो और 33 दोनों का बी, 34 35 का सी, 36 का ए, 37 38 का सी, 39 का बी, 40 का डी, 41 का भी डी है, 42 का सी, 43 का बी, 44 एंड 45 का डी.